नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बहुत बार आपने सोचा होगा कि आपका अपना खुद का मकान हो जाए या फ्लैट हो जाए या फिर आप अपनी जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं। कुछ ग्रहों की युति, कुछ ग्रहों की उठापटक आपको ये कार्य नहीं करने देती, लेकिन अब ज्योतिष गुरु आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे जिसको अपनाने के बाद आपका अपना स्वयं का मकान होने का प्रबल योग जरूर बनेगा। इसी के साथ ही हम सफलता का अचूक महा उपाय आपको देंगे। चर्चा होगी दैनिक राशिफल की और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपकी नौकरी में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र। ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार नहीं आते। तो जब आप महसूस करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस मंत्र को जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 3 जनवरी 2023, दिन मंगलवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा कृतिका, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य। ये वो समय होता है जब आप कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल नहीं करते। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जाने से किसी विशेष लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं अपने मकान का योग, अपनी खुद की जमीन जायदाद का योग किन ग्रहों की युति के कारण बनता है। सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में चौथा भाव और उसका स्वामी यानी कि चतुर्थेश और कारक मंगल मकान प्राप्ति के लिए देखा जाता है। इन तीनों चीजों को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि आपका मकान आपको कब मिलेगा। जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ या तो लग्न में हो या पंचम में हो या नवम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से मकान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में मकर राशि में मंगल हो, शुक्र यानी कि चौथे भाव का भी कारक होता है शुक्र, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मकान आसानी से आपको मिल ही जाता है। ज्यादा एफर्ट्स आपको नहीं करने पड़ते। जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी और दसवें भाव का स्वामी चंद्रमा और शनि के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मकान होता है वो दूसरों से जरा ज्यादा सुंदर होता है और अलग भी होता है। अब आपको बताते हैं कि कौन से ग्रहों के कारण आपको मकान प्राप्ति में बाधा आती है, कौन से ग्रह आपको मकान खरीदने नहीं देते, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली में चौथा भाव हमारे घर का होता है, हमारे मन का भी होता है। चौथे भाव का स्वामी यदि नीच अवस्था में हो जाए, पापी ग्रहों के साथ युति करे तो मकान प्राप्ति में बाधा आती है। लगभग आप मकान नहीं खरीद पाते या फिर आप किराए के मकान में रहने लगते हैं। जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और कारक मंगल कर्क राशि में हो तो मकान बिल्कुल नहीं बन पाता, बहुत मुश्किलें आती हैं। और जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु आ जाए और दशम में तो केतु होगा ही, तो ऐसे व्यक्ति का भी मकान बहुत मुश्किलों के साथ बन पाता है। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि वो कौन से मंत्र हैं, कौन से उपाय हैं, कौन सा पूजा पाठ है जो आपके मकान का स्वप्न बहुत जल्दी पूरा कर सकता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, अपनी कुंडली के जो चौथा भाव है उसके ग्रह का मंत्र कम से कम 108 बार आप जरूर जाप करें। वहां शनि है तो शनि का जाप करिए, मंगल है तो मंगल का, बृहस्पति या शुक्र है तो उनका जाप करिए, लेकिन प्रतिदिन 108 बार शुरू कर दीजिए। दोपहर के समय मंगल देवता के 21 नामों का जाप दक्षिण दिशा में लाल आसन पर बैठकर करिएगा। देखिए भैया, मकान चाहिए तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसा ही नहीं है जो ग्रह बहुत आसानी से मान जाए, ठीक है। मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार भी आपको जाप करना है। तो ये वो मंत्र हैं, ये वो पूजा है जो आपको प्रतिदिन करनी है।
अब मकान प्राप्ति का महा उपाय क्या है वो भी ले लीजिए। हर बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करिए और गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाइए। हर अमावस्या हर पूर्णिमा पर अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को आप खाना खिलाइए और मंगलवार के दिन शाम के समय हो सके तो लाल आसन पर बैठकर पूर्व या दक्षिण दिशा में आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। अपनी कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश और कारक मंगल ग्रह का भी उपाय आपको जरूर करना है। और एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए, घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र लगा ही लीजिए। मात्र इतना सा करके देखिए, बहुत ऐसे योग निर्मित होंगे, योग ऐसे बनने लगेंगे कि आपका अपना मकान आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, हर दिन ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर कुछ लोग अपना प्रश्न साझा करते हैं, उन लोगों में से आज हमने दो लोगों के प्रश्न को लिया है। पहले दर्शक हैं हमारे आयान गांगुली, बहुत स्वागत है आपका, वेस्ट बंगाल से हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मैं विदेश जा सकूंगा, कोई उपाय बताएं। आयान, बता दूं आपको, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु है जो आपको विदेश ले जाएगा, और विदेश भाव यानी कि बारहवें भाव का स्वामी भी तीसरे भाव में है, तो एक ऐसा योग बना हुआ है जो आपको विदेश यात्रा जरूर कराएगा, सफलता जरूर दिलाएगा। आप प्रतिदिन सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को, भगवान सूर्य जो हैं, उनको तांबे के लोटे से जल अर्पित करिएगा और मंगलवार की दोपहर मीठे आटे की रोटियां बनाकर पशु पक्षियों को खिला दीजिए। एक बार करके देखिए, आपके मन की इच्छा पूरी हो। दूसरे दर्शक ने भी हमसे प्रश्न पूछा है, अंकित जी हैं गुजरात से, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं, मेरा करियर कैसा रहेगा, कौन सा कार्य करना चाहिए। अंकित, आपकी कुंडली में सूर्य मंगल और गुरु की युति है, जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति जरूर होगी। सफलता पाने के लिए प्रतिदिन घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ करें और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन माथे पर केसर का तिलक आपको जरूर लगाना है। और एक छोटा सा कार्य, केले के छोटे छोटे दो पौधे किसी धार्मिक स्थल पर लगा दीजिए और अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों का एक चित्र लगा दीजिए। मात्र इतना सा करने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके करियर स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम ला रहा है। इस वर्ष आपको त्वचा के रोगों से, स्किन डिजीज से अपना बचाव जरूर करना है। धन स्वास्थ्य और करियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण के सूर्याष्टक का पाठ करिए और गायत्री मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद सफलता के योग प्रबल हो जाते हैं। तो क्या करना है महा उपाय, आइए बताते हैं। एक गुलकंद का पान, राम राम मंत्र का जाप करते हुए और अपने मन की कामना बोलते हुए हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। एक बार करके देखिए, फायदा जरूर होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि वो दांतों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सरल सा और आजमाया हुआ आप उपाय है, इसको आप कर लीजिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आप इसके जो है गरारे करिए, कुल्ला करिए, आपको फायदा होगा, दांतों की और कंठ की दोनों समस्याएं खत्म होंगी। बात करते हैं अब अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट। देखिए, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें दो चुटकी रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्पित करें, करके देखिए, हर तरीके से सम्मानित आप बनी रहेंगी। बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की, आपने जो इस्तेमाल तो बहुत बार की होगी लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल नहीं की होगी, तो कैसे करनी है इस्तेमाल ये सामग्री आपको बताते हैं। आज
हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए साबुत धनिया। एक मुट्ठी, मात्र एक मुट्ठी साबुत धनिया आप अपने सिराने रखकर सोएं और सुबह उठकर उसे बहते पानी में प्रवाह कर दें। नौकरी में हर तरीके से सफलता का योग बनने लगेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया, यदि आप अपनी जमीन जायदाद, कोई मकान, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कौन से ग्रह उसमें बाधा डालते हैं और कौन सा छोटा सा महा उपाय आपको अपने मकान की प्राप्ति करा सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी भरपूर फायदा हो। मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।